कॉन्डम चुलबुली मस्ती का प्रतीक है। आप अपनी एक बुढ़िया के साथ ये कॉन्डम को बेचो, ग्राहकों को मजा मिलेगा बिना किसी सजा के। कॉन्डम बेचे? हाँ हम। हाँ जी। देखो मैडम, देखो मैडम, ये क्लिनिक जो है ना, ये डॉक्टर और नर्स चलाते। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो कानून की जूती और उनका सर, हमको क्या लेना देना इसमें? मतलब यहाँ मामला ही उल्टा है, यहाँ मालिक ना कुत्ते को काटने की जिम्मेदारी ले रहे। मैडम जबान संभाल के बात करो। नहीं, आवाज भी नीचे रख दिगंबर से, वरना उस वीडियो की आवाज इतनी ऊंची हो जाएगी कि इस गांव के हर गली हर घर में उसका वॉल्यूम सुनाई देगा। वीडियो? कौन सा वीडियो? देखो मोड़ो, हम किसी वीडियो ऑडियो के बारे में नहीं जानते। ज्यादा भोले मत बनो दिगंबर सिंह, क्या है ना कि तुम्हारे चेहरे पर भोलापन सूट नहीं करता। तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं। पेश करो ना, पेश करो ना उस वीडियो को कोर्ट में सबूत के तौर पे। 2 सेकंड में साबित कर दूंगा पढ़ोक कि तेरा ये वीडियो बनावटी है, झूठा है, नकली है, और उस वीडियो बनाने वाले पे मानहानि का केस ठोक दूंगा। अच्छा दिगंबर सिंह, ये तुम किस वीडियो की बात कर रहे हो जिसके बारे में तुम अभी कह रहे थे कि कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो, कहाँ का वीडियो? ये वही वीडियो है ना? देखो मोड़ोक, हमको इस तरह का मजाक बिल्कुल ही पसंद नहीं, समझा? क्या तो शुरुआत किसने करी दिगंबर सिंह? हम तो बड़े सीरियस हैं इस बात को लेकर। तुम्हें बुलाया ही इसलिए है कि वीडियो के बारे में तुम्हारा बयान क्या है जानना है ना? हमें इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहना। फिर भी इस वीडियो के बारे में लगातार बोले जा रहे हैं। कमाल है ना दिगंबर सिंह के, जिस बारे में आप कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं उसके बारे में आपके पास शब्दों का खजाना है जो आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखो मोटोक, तुम्हारे पास अगर हमको इस चौकी में रोकने का कोई ठोस वजह है तो बताओ, नहीं तो हम चले अपने रास्ते। क्यों मेहनत बर्बाद कर रहे हो दिगंबर सिंह? क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो घूम फिर कर यहीं आना है वापस। आखिरी मंजिल तुम्हारी यही है। राम राम। आए हमारे घर खुद की कुदरत है, कभी हम उनको कभी हथकड़ी को देखते हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, काफी बदलाव हुए, लेकिन अब ये सबसे अच्छी बात यह है कि आप वापस आ गए। इस बात की भैया हमें बहुत खुशी है। डॉक्टर जैन, स्नेहा, आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा आप यहाँ। भाई प्रतापपुर में पहुंचते ही मैंने सोचा स्वयं मालथू निवास पहुँच कर तुम्हें सरप्राइज दूं। ये सरप्राइज नहीं, शौक है। अच्छा चलिए, इसी बहाने मालथू साहब के साथ बैठकर बहुत सी पुरानी यादें ताजा हो गई। अरे भैया अभी इस उम्र में तो यादों का ही सहारा है डॉक्टर साहब। सही कहा मालथू साहब। अच्छा बताइए प्रतापपुर कैसे आना हुआ? डॉक्टर अवस्थी मानवता में टेम्परेरी आए थे, उन्हें वापस जाना पड़ा, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मुझसे निवेदन किया कि जब तक मानवता को कोई काबिल डॉक्टर नहीं मिल जाता मुझे ये बागडोर संभालनी होगी। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, तो मुझे वापस आना पड़ा। बहुत अच्छा किया।
मैं और मानवता आपको बहुत बहुत मिस करते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने आपको याद ना किया। आपके आने की खुशी शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। डॉक्टर स्नेहा, कहीं तुम डॉक्टर अवस्थी की शिकायत तो नहीं कर रही हो? नहीं, डॉक्टर अवस्थी बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मानवता में भी सब उनसे बहुत खुश हैं, पर डॉक्टर जैन सिर्फ एक है। देखिए जैन साहब, अब आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा आना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूँ कि बल्कि इस घर को आप अपना ही घर समझ लीजिए। बात हो साहब, अलका भाभी का स्नेह और उनके हाथों का भोजन और आपका ज्ञान और आपकी आवाज में वो पुरानी फिल्में गाने, क्या बात है। अरे भगवान, अबे डॉक्टर साहब तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अब आप आ गए हो ना, मुझे शांति हो गई। अब स्नेहा की शादी की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अरे ये सब बातें हम बाद में भी कर लेंगे, अभी डॉक्टर साहब हम लोग से बहुत जरूरी बात करने के लिए आए हैं। देखिए मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन मुझ पर एक जिम्मेदारी कि मैं मानवता अस्पताल के नेतृत्व के लिए एक सही डॉक्टर को चुनूं, और मेरे हिसाब से डॉक्टर स्नेहा से बेहतर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्नेहा ने यह जिम्मेदारी अब ले ली तो उसके निजी जीवन का क्या होगा? अर्जुन का क्या होगा? मां, वो मेरे और अर्जुन के बीच की बात है। वो तुम्हारे प्यार में इतना पागल है कि तुम्हारी हर बात मान लेता है, लेकिन हम दुनियादारी समझते हैं। ये ऐसा कब तक चलेगा? मेरा ख्याल है कि हम अपनी निजी बातों में डॉक्टर जैन को ना खींचे तो बेहतर है। डॉक्टर जैन कहां पर आए हैं? और ये प्रस्ताव वही तो लाए हैं। का भाभी, मैं डॉक्टर स्नेहा को कामयाबी के शिखर पर देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसकी काबिलियत को पूरी दुनिया सलाम करे। डॉक्टर जैन, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूं, लेकिन हर बात की एक हद होती है। स्नेहा ने अब अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा ना, तो उसकी उम्र तो हाथ से निकल ही जाएगी, और शायद अर्जुन भी। माँ, मुझे लगता है कि आप अपनी हद पार कर रही हैं। ये मेरी जिंदगी है और इसे कैसे जीना है ये मेरी मर्जी होगी। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, पर उन्हें मानना या ना मानना ये फैसला मेरा होगा। बेटी, तू मुझे गलत समझ रही है। मैं आप लोगों को एक डॉक्टर का किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक डॉक्टर साहब थे, उनको बुखार आ गया। मरीजों ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब, आप खुद का इलाज क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा कि भाई देखिए, मरीजों का इलाज करने के बाद अगर मेरे पास समय बचा तो मैं अपना इलाज कर लूंगा। तो लोगों ने कहा, क्यों डॉक्टर साहब? कहले, भाई खुद का इलाज करके मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता। लोगों ने कहा, नुकसान कैसे? कहने लगा कि भाई खुद का इलाज करके अब मैं खुद को तो फीस नहीं दे सकता ना, तो नुकसान ही हुआ। बाबा जी, वो बाहर कोई नया बाबा आया? बाबा जी, बाहर कोई नया बाबा आया है, आपसे मिलना चाहता है। भेज दे। ठीक है। नया बाबा?
जय हो। इंसान को इंसान का वरदान, धरती पे भोज का समाधान। जय हो कॉन्डम, जय हो कॉन्डम। तुम कौन है आप ये बताओ? तुम्हारे प्रकोष्ठ में स्वयं उपस्थित कॉन्डम बाबा। लेकिन कॉन्डम जैसे दिखते तो नहीं? तुम भी तो पहलवान कम और गेंडे ज्यादा दिखते हो बच्चा। अबे बच्चा नहीं बोलना। क्यों, तुम किसके बच्चे नहीं हो? आसमान से टपके हो? बताओ। पर कैसे बाबा हो तुम छोरे? चप्पल। अब बताओ कैसे बाबा हो? क्या मतलब? जानकर भी अनजान बन रहे हो? तो सुनो, एक बार बंदे के नाम के साथ बाबा का खिताब जुड़ जाता है तो गरीब जनता को कुछ भी बेच सकता है, चाहे वो आचार हो या विचार। लोग तत्पर हो जाते हैं उसे खरीदने के लिए, समझे बच्चा? लेकिन यहाँ तो ना आचार बिक रहा ना विचार। आप यहाँ किस लिए पधारे ये बताइए। तुम्हारे साथ। हमारे साथ क्या? तुम्हारे साथ सह बिक्री करना है, अर्थात को मार्केटिंग। ओ, मतलब? मतलब कॉन्डम चुलबुली मस्ती का प्रतीक है। आप अपनी एक बुढ़िया के साथ ये कॉन्डम को बेचो, ग्राहकों को मजा मिलेगा बिना किसी सजा के। कॉन्डम बेचे? हाँ। हम? हाँ जी, यही काम रह गया बस करने के लिए। जरा निकले ऐसे, जरा। अफसोस की बात है, तुम भी ना समझ निकले कॉन्डम ना इस्तेमाल करने का कितना बड़ा महान नुकसान होता है। कितना बड़ा महान नुकसान होता है? तुम जैसे बाबा पैदा हो जाते। निकल बाहर, चल। होल्ड ऑन यू फैट मैन। कॉन्डम इज द पावर, बट यू वोंट अंडरस्टैंड। चल फिर मिलेंगे। सी या। अबे ये अंग्रेजी में समझा के गया या गालियां देके गया? पढ़ लेते तो शायद समझ में आ जाता। गुड मॉर्निंग। कैसी हो मीना? ठीक हूँ, बस कभी कभी ये सोचती हूँ कि पिताजी को कितनी चोट पहुंचाई है मैंने। वरना उसने तो मुझसे कहा था कि वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करता है। शहर ले जाने वाला था वो मुझे अपने साथ। फिर कितनी क्रूरता से उसने बस अपनी पीठ मोड़ ली। मीना अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हें डॉक्टर बनना है, अपने लिए और अपने पिताजी के लिए। तुम्हें समाज को यह दिखाना है कि तुम एक हादसे की मोहताज नहीं हो,
बल्कि तुम एक योद्धा हो। एक बात पूछूं पन्ना, तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ और आज जो तुम हिम्मत की मिसाल हो, कैसे कर लिया तुमने? आओ मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। पन्ना को अगर कोई इंसाफ दे सकता है तो वो सिर्फ कानून, उन दरिंदों को सजा देकर। पन्ना मेरी एक बात रुमाल पे काट बात कर रख ले, निर्दोष हमने गरीबी देखी पर हम घर नहीं आ रहे, तो आज फिर इस अनछाए हादसे से हम कैसे हार सकते हैं? तो इतना प्यारा भाई क्यों है? शादी होने वाली थी अगले महीने, इन सब के बाद कौन अपना? ये सब बात ना बिल्कुल भी छुपत नहीं, आज नहीं तो कल सब ही जान जाएंगे। और हम इस सेकंड हैंड वस्तु को ना अपनी बहू तो ना ही बनाएंगे। तू को क्या लगा रे है? कि तेरी अपवित्र लड़की को हम अपनी दुल्हन बना लेंगे? जो हुआ है उसके बाद हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं करूंगा शादी पन्ना से। मैं जानता हूं कि पन्ना जैसी जीवन साथी मुझे इस पूरे गांव में नहीं मिलेगी। मैं संभालूंगा उसे, प्यार दूंगा उसे। ऐसे हादसों में हर लड़की के मन में एक विचार आता है, जुल्म उस पर चाहे मर्दों ने किया हो लेकिन बदनामी हमेशा लड़की की ही होती है। लड़की कमजोर जात नहीं है, अगर हम आवाज उठाए तो उसकी सुनवाई होकर रहेगी और आवाज दूर तक पहुंचेगी। अदालत के सामने ये तथ्य भी है कि पन्ना ने इन तीनों आरोपियों को पुलिस स्टेशन में हुई आइडेंटिफिकेशन परेड में पहचाना, लिहाजा ये अदालत भीखू मल्ला और विक्रम लोहार की जमानत की अर्जी को नामंजूर करती है। सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम हमेशा मुस्कुराते ही रहती हो। तुम्हें क्या लगता है मीना, मैं रोई नहीं थी? मैं बहुत रोई थी। फिर मैंने एक दिन ये तय किया कि मैं अपने आंसुओं की मोहताज नहीं बनूंगी बल्कि अपनी हिम्मत, मेहनत और लक्ष्य को अपने जीवन का हथियार बनाऊंगी। आंसुओं को बहाऊंगी नहीं मैं, बल्कि दूसरों के आंसुओं को पोंछूंगी, उनके जख्मों पर मरहम लगाऊंगी। देखो मीना, अगर मैं ये सब कर सकती हूं तो तुम तो मुझसे भी ज्यादा कर सकती हो। करोगी ना? खुल के आजो। हमने देखा
शारीरिक तौर पर ठीक होने के बाद भी मीना के आंसू रुके नहीं। एक बात हम सबको समझनी चाहिए, जब किसी औरत की गरिमा पर हमला होता है तो उसके घाव सिर्फ उसके शरीर को नहीं लगते, घाव उसके मन पर भी लगते हैं। ऐसे में इलाज के साथ साथ उसे प्यार और सहानुभूति की भी जरूरत होती है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ, किसी की समस्या को समझकर उसे अपना प्यार देना, उसकी हिम्मत को बढ़ावा देना किसी चिकित्सा से कम नहीं होता। मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों का बहुत गहरा संबंध होता है। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, देखते रहिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सांसों में भर सकती।